प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें किसानों के लिए एक बड़ा फैसला किया गया। कोपरा यानी सूखे नारियल की खेती करने वाले किसानों को एमएसपी का तोहफा दिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी कि कोपरा की एमएसपी को बढ़ाया गया है। कोपरा की एमएसपी को 375 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी इसमें की गई। पहले ये दाम 9,960 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे अब बढ़ाकर 10,335 रुपए कर दिया गया। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस दाम को बढ़ाने में स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया गया, साथ ही किसानों की 40 साल पुरानी मांग को पूरा किया गया। केंद्रीय मंत्री ने आरोप भी लगाया कि यूपीए सरकार ने लंबे वक्त तक स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं किया था, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर कदम उठाया है। और इसकी विशेष बात यह है कि लागत मूल्य इसका 6,805 है। 6,800 का कीमत 10,335 यानी 52% अधिक कॉस्ट के ऊपर 52% कीमत दे रहे हैं। स्वामीनाथन फॉर्मूला जो था तो उसके तहत आज 6,800 रुपए जिसका लागत मूल्य है, ऐसे कोपरे को 10,335 रुपए देने का फैसला हुआ है। दूसरा बॉल कोपरा होता है और उसको 10,600 रुपए देने का फैसला हुआ है, 300 रुपए एमएसपी बढ़ाया है। इसका भी लागत मूल्य 6,805 है और इसमें 55% वृद्धि है। इससे लाखों कोपरा उत्पादकों को, खासकर सागर किनारे 12 राज्य है तो उसमें जो कोपरा उत्पादक है उन सबको बहुत अच्छा फायदा होगा। और हमने देखा है कि सरकार जब घोषित करती है कोपरा की कीमत तो बाजार भी उससे थोड़ा अधिक